हेलो भाई लोग, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्लैम जोन पे। तो भाई आज हम मैच कराने जा रहे हैं रोमन रिंग्स द रॉक ओरिजिनल वाले ब्रोक लेसनर, जो कि हमें 2K24 के अंदर देखने को नहीं मिले, लेकिन मैंने जुगाड़ कर लिया अपने पास। ओरिजिनल वाले ब्रोक लेसनर वापस आ गए हैं और अपनी अपोनेंट टीम है सोलो सिकोवा, केन और रैंडी ओर्टन की। तो चलिए देखते हैं क्या भाई लोग ओरिजिनल ब्रोक लेसनर की टीम सोलो सिकोवा की टीम को डोमिनेट कर सकती है कि नहीं। This elimination tag team match is now official. भाई ये वाला लेना भाई, मैंने जल्द अभी अभी गोला था तो भाई सोचा कि ओ भाई सोलो सोलो पड़ गया, सोलो के कान पे सोलो का फिनिशर भी वेस्ट किया, ब्रोक लेसनर का भी यार चला गया, रिवर्स कर दिया दोनों ने, एक दूसरे का एक एक करके रिवर्स कर दिया। लेकिन भाई ओरिजिनल वाले ब्रोक लेसनर है, कोई ना कोई कांड तो करेंगे इतनी जल्दी थोड़ी होगा भाई। वाले ब्रोक लेसनर भाई एकदम तगड़े लग रहे हैं, F5 लगा दिया सोलो को, कनेक्ट 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 हो गया, कनेक्ट हो गया है एक बार में नहीं पट गया साला सोलो, सॉरी साला वो सोलो में ज़्यादा फर्क नहीं है वैसे थोड़ी ब्रोक लेसनर वर्सेस द केन हो रहा है, क्या लगता है? ओ भाई वही वाली केन है 2008 वाले हैं, लेकिन लाल चड्डी देख के मुझे थोड़ा 2016 वाला मैच याद आ गया। ओ भाई वाले ब्रोक लेसनर तो भयंकर आदमी निकले, एक साथ बैक टू बैक दो लोगों का एलिमिनेशन कर दिए यार। अच्छा है कि वो ब्रोक के पास एक फिनिशर नहीं है, नहीं तो भाई रैंडी ओर्टन का लिख के देता हूँ, हो जाता ये गेम की गलती नहीं है, ब्रोक लेसनर की गलती है। एक सेकंड में आया थी क्या लग, ओ भाई ऐसे रिवर्स कर दिया लेकिन पीछे से रोमन ने लपटा दिया है, पीठ तोड़ दिए सोलो जा कैसे रहा है, दिन का माहौल है तो दिख रहा है साफ साफ। डबल टीम हो गया है रोमन के साथ गया रैंडी ओर्टन, तो भाई गए रैंडी ओर्टन गए, रोमन भी नहीं छोड़ेंगे, रोमन जानते हो ना क्या करेंगे, रोमन पता है ना क्या करने वाले हैं भाई। चलो अच्छा रैंडी ओर्टन ने थोड़ा रिवर्स कर दिया, वरना रोमन रैंडी ओर्टन तो चले गए थे भाई। हम लोग योलम मैच लग रहा है रिमैच करना पड़ेगा, अगर कुछ ज़्यादा ही फोटो हो गया तो गए। रैंडी ओर्टन भी थोड़ा मचा रहे हैं यार, वैसे टूके वालों ने ये अच्छा कि आरटीओ दे दिया ओर्टन होटल ने यार, क्या तगड़ा वाला आरकीओ देती, यही जगह आरकीओ भाई सेठ रोलिंस को दिया था याद है ना, कैसे दिया था वही वाला, वही का याद आ गया भाई। रोमन को बैक टू बैक दो आरकीओ, एक और बचा है भाई, ये वाला दे देंगे तो भाई कांड हो जाएगा। वैसे रोमन के हेड, रोमन का हेड देखो केवल येलो ही हुआ है, मुझे लग रहा था ऑरेंज हो जाना चाहिए, वैसे कुछ नहीं हुआ। होटल अंदर आ गए, हाँ मैं तो कह रहा था कि टूके वालों ने ये सही किया यार, पीसी वालों के लिए यहाँ पर साथ हो गया, जल्दी आओ रोमन 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 के साथ। तो भाई ओर्टन ने थोड़ा गद्दा खेल मचा दिया भाई, भाई बहुत ज़्यादा उम्मीद है रेफरी, नहीं यार रोमन अंदर आ जाओ जल्दी, एक सेकेंड एक, ओ रोमन भाई अंदर आए थे कि नहीं आए थे, मुझे लग रहा था आ गए थे यार, आप लोग बताना आए कि नहीं आए, मुझे तो लग रहा था आ गए। ब्रोक लेसनर भाई की द रॉक है, मुझे लग रहा है लीगल आदमी कि ब्रोक ब्रोक है कि द रॉक है यार, दोनों में रॉक एक तरीके से आ रहा है, अगर बी हटा दिया जाए तो भाई रॉक ही आ रहा है और उसमें कन्वे वो इसमें ब्रॉक बोलो, मैं कह रॉक कहाँ से आ गया, ठीक है चलो ब्रॉक है लीगल आदमी अपने। रैंडी ओर्टन भी लग रहा है टाइम के साथ ही टाइम आउट ही होंगे, टाइम आउट के साथ ही नॉकआउट होंगे, क्या लगता है? यहाँ ब्रोक लेसनर थोड़ा टॉन्ट मार रहे हैं, चीयर चीयर करवा रहे हैं अपने आप को, ये फाइव डाइव एप्टन लगा दिया, एप्टन है तगड़ा वाला भाई। इसके बाद अगर लगता है रैंडी ओर्टन को तो मुझे लग रहा है कि रैंडी ओर्टन जा सकते हैं, ब्रोक लेसनर रहे सामने भाई देख लो, ब्रोक लेसनर तो भाई ओरिजिनल ट्राइबल चीफ से भी ज़्यादा खतरनाक निकले। रोमन जा रहे हैं तो भाई अच्छा नहीं लग रहा भाई, ये वाला कुछ भी कहो ये वाला एरेना तगड़ा है, क्या कहते हो ये वाला जो एरेना है ना भाई डे वाला, तगड़ा है कि नहीं तगड़ा है आप लोग कमेंट में बताना। ओ भाई मैच कैसे भाई, रॉक तो फालतू में खेल गए ज़्यादा ही बोल रहे थे पीछे से, ओ भाई स्टंड हो गए हैं रॉक भाई। जब भी ये वाला रैंडी ओर्टन रेड कलर की जो अंडर वियर इसको देख लो तो भाई सेठ रोलिंग के चेहरे में सामने आ रहा है कसम से, वही वाला एरेना भी है यार ये वाला, कुछ भी कहो वही वाला है यहाँ पर वाला मैच होता। अरे यार इसके शो केस में ये वाला आया तो था, मुझे याद आ गया रैंडी ओर्टन के शो केस में वाला आया था ये वाला, जब भाई रिवर्स करके स्टॉर्म के रिवर्स करके भाई आरक्यू दिया था रैंडी ओर्टन ने, तो मैं डाल दूंगा इसका, बनाने की कोशिश करूँगा रिक्रिएट करने की, अगर बन जाएगा तो भाई मैं उसको कमेटी पे भी डालूंगा, ठीक है
मुझे नहीं लग रहा कि यार ब्रॉक लेसनर थोड़ा जर्मन सुप्लेक्स लगाने के चक्कर में जल्दी से सिग्नेचर पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रैंडी ऑर्टन ज़्यादा नहीं बच पाएंगे। भाई बॉडी पूरी देख रहे हो येलो हो गई है, क्योंकि रैंडी ऑर्टन एलिमिनेट कर सकते हैं ब्रॉक लेसनर को, क्योंकि भाई दो दो फिनिशर हैं एक सिग्नेचर है। द रॉक देख रहे हैं एकदम कसी हुई बॉडी से लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे, बस यहाँ दिन वाले दिन में रॉक देखने में थोड़े कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रहे हैं। अच्छा मुझे लग रहा है 2K23 पे थे लेकिन भाई कभी जब ज़्यादा अल्ट्रा एचडी कर लो ना भाई, एकदम रॉक साइज सबसे जो रियलिस्टिक मॉडल रॉक ही का बनाया गया है, रॉक और ट्रिपल एच का सबसे ज़्यादा, रोमन का तो भाई बनाया ही जाएगा, क्यों बनाया जाएगा वो सभी को पता है। ओ भाई आरकियो लगा दिया ब्रॉक लेसनर ने, वो ब्रॉक को देख रहे हो आरकियो लगा, लग रहा है नॉर्मल मूव लगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बिना ब्लू लाइन यूज किए, जैसे ब्लू लाइन को कहते क्या यार मुझे नहीं पता, आप लोग कभी नहीं बताना। ब्रॉक लेसनर की बॉडी ऑरेंज हो चुकी है, प्रेशर मस्ट बी केप्ट ऑन, रैंडी ऑर्टन के पास सिग्नेचर भी है एक फिनिशर भी है, यानी कि दो दो फिनिशर मैं कहूँगा अगर सिग्नेचर लगा देते हैं तो सामने द रॉक भाई बिल रॉक रॉक को किसने पी लिया यार, उनकी बॉडी भी येलो है, रैंडी ऑर्टन पता नहीं क्या करने जा रहे हैं, और यार मुझे को पता था यही करेंगे, कोई ब्रॉक लेसनर की बॉडी रेड हो गई है जहाँ तक मुझे लगता है कि हो सकता है नहीं हुआ ब्रॉक लेसनर से, शायद इसी कांड नहीं हुआ स्टाइल ना मारो यार रैंडी ऑर्टन स्टाइल मारने में ज़्यादा ध्यान, और मुझे लग रहा है ब्रॉक लेसनर अगर चले जाते हैं तो भाई क्या लगता है नहीं गए ये तो अक्सर कोई और सुपरस्टार होता ना भाई 100% चला जाता, गारंटीज कह सकता हूँ, लेकिन रेजिलेंसी चली गई यार ब्रॉक की, चलो कुछ तो गया, लेकिन भाई ब्रॉक लेसनर अभी भी रैंडी ऑर्टन को एलिमिनेट करने की पूरी क्षमता रखते हैं, देख रहे हो रैंडी ऑर्टन पुराना मूव यूज कर रहे थे याद आ गया होगा, तो एक फिनिशर लगाने का जा रहे थे लेकिन ब्रॉक लेसनर ने रिवर्स करके सुप्लेक्स लगा दिया जर्मन सुप्लेक्स, अभी ट्रिपल जर्मन सुप्लेक्स लगाने वाले थे अगर सिग्नेचर हो तो, रॉक को टैग ही नहीं मिला अभी तक, अगर रॉक को टैग नहीं मिलता तो भाई रैंडी ऑर्टन यार काफ़ी अच्छा खेले, 3-on-1 का मैच था लेकिन काफ़ी अच्छा खेले, ये सबसे ख़राब तो मैं क्या बोलूँ आपको समझ ही गया मुझे स्टार्टिंग वालों के साथ बोला, रोमन होते तो यार बात अलग थी लेकिन ब्रॉक लेसनर ने आके एक ही फिनिशर में दोनों को एलिमिनेट कर दिया। ब्रॉक लेसनर मुझे लग रहा है रोमन का बदला ले रहे हैं, रोमन टाइम आउट के साथ ही नॉकआउट कराएंगे रैंडी ऑर्टन को, चलो बचा लिए शायद, डरा रहे थे टेरर पैदा कर रहे थे, तो रॉक को फाइनली टैग तो मिला, रॉक बॉटम लगाने की कोशिश कर सकते हैं, रैंडी ऑर्टन नहीं लगा दिया आरकियो लेकिन सही लगाया भाई, मैं चाहता था कि रॉक को एक लगे आरकियो, ब्रॉक लेसनर की एंट्री भी बंद हो गई है अब, वैसे रैंडी ऑर्टन के पास डिसएडवांटेज है कि उनके पास एक भी नहीं सिग्नेचर है और फिनिशर भी नहीं है, और सिग्नेचर काफ़ी दूर है, बहुत मानना पड़ेगा वो रॉक को अगर, और रॉक ऐसे हैं कि भाई ज़्यादा नहीं मार पाएंगे, क्योंकि भाई रैंडी ऑर्टन काफ़ी अच्छा खेल है कुछ भी कहो, तो भाई रैंडी ऑर्टन के पास सिग्नेचर छीन लिया था यार रॉक को, तो भाई रैंडी ऑर्टन को बचा दिया इस गेम में, अगर जीत सकते हैं तो भाई अब मैं कहूँगा भाई 1-on-1 का मैच हो गया है, लेकिन बराबरी का तो है क्योंकि भाई ब्रॉक लेसनर की बॉल हाँ ब्रॉक लेसनर की क्या लगता है ब्रॉक लेसनर, ओ भाई रैंडी ऑर्टन ने लपेट दिया इस बार ब्रॉक नहीं बचेंगे, हारा वो मैच बदल दिया रहा है रैंडी ऑर्टन ने, हारा वो मैच सच में, लेकिन ब्रॉक अभी भी बदल सकते हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि भाई एक फिनिशर या एक सिग्नेचर लगे तो मुझे लग रहा है रैंडी ऑर्टन जा सकते हैं, लेकिन ब्रॉक के पास रेजिलेंसी नहीं है भाई, ब्रॉक रिवर्स कर देना तो ब्रॉक रिवर्स नहीं कर भाई रैंडी ऑर्टन तो हराम ही निकले, 15 वाले रैंडी ऑर्टन ज़्यादा हराम ही है, बहुत भाई तगड़ा खेले, चलिए मिलते हैं अगले मैच में, अगर मैच अच्छा लगा हो तो भाई एक लाइक करिएगा ठीक है।